हेलो एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम बनाएंगे एगलेस ऑमलेट। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना अंडे का ऑमलेट। आज की रेसिपी वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छी ट्रीट है। हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल ऑमलेट, वो भी बिना अंडे का। हम बिल्कुल जैसे वो रेडी वाला भैया बनाते हैं ना, एकदम मसालेदार मक्खन मार के ऑमलेट, बिल्कुल वही बनाएंगे, बिना अंडे के बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक चिली गार्लिक पेस्ट, जो जनरली स्ट्रीट स्टाइल ऑमलेट्स में यूज़ होता है। हमने यहाँ पर आधा कप हरी मिर्च ली है, इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियों को हमने मोटा मोटा काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है और 1 छोटी चम्मच नमक लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा चिली गार्लिक पेस्ट तैयार है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमने यहाँ पर 2.5 कप बेसन लिया है और अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। मिक्स करते वक्त आप ध्यान रखें कि बैटर के अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। अगर बैटर में थोड़े से भी लम्स होंगे तो फिर आपका जो ऑमलेट है वो अच्छा नहीं बनेगा। बेसन और पानी का हमने स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ये बिल्कुल रनिंग बैटर है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है और बहुत ही पतला बैटर हमने बनाया है। 2.5 कप बेसन के अंदर हमने 1 कप से थोड़े से ज़्यादा पानी का यूज़ करा है। बेसन और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 नींबू का रस। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची डालने के बाद आपको मिर्ची के छोटे छोटे से गोले आपको दिखाई देंगे, मतलब लम्स दिखाई देंगे, उनको भी प्रेस करके आप अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन का बैटर तैयार है। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एक स्टील का ग्लास लिया है, जो नॉर्मली हमारे घर में स्टील के ग्लासेस होते हैं, उसमें से आप एक कोई भी ग्लास ले सकते हैं। और इसको हम आधा बेसन के बैटर से भर देंगे। आधा ग्लास भरना है क्योंकि इसके अंदर हमें और भी चीज़ें डालनी हैं। तो इसके अंदर हमने डाला है 2 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/4 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही वो जो चिली गार्लिक पेस्ट हमने बनाया था वो 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डालेंगे। ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसके अंदर हमने वेजीज डाली हैं उसके अकॉर्डिंग हम मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा नमक सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि बेसन में तो हमने नमक डाल दिया था। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक फोक की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वर्टिकली इसको हम मिक्स करते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। ऑमलेट के बैटर को मिक्स करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में एक तवा लिया है। इसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच मक्खन डाल देंगे। मक्खन को तवे पे अच्छे से हम फैला लेंगे और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए, ग्लास में जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको हम तवे पे डाल देंगे। अच्छे से हम मिक्सचर को पूरे तवे पे फैला लेंगे। और इसके बाद हम 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हम बेसन के बैटर में अच्छे से डिप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। हम यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसेस का ऑमलेट बना रहे हैं। आप चाहें तो सिंगल ब्रेड स्लाइस का भी ऑमलेट बना सकते हैं। इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा देंगे और उनको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब बारी आती है ऑमलेट को टर्न करने की। इसी स्टेप में ऑमलेट जनरली फट जाता है, तो हमारे पास एक ट्रिक है। आप ऑमलेट को थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दीजिए और फिर जहाँ पे ब्रेड है उसको बेस बनाते हुए इसको पलट दीजिए। कभी भी ऑमलेट नहीं फटेगा, गारंटेड श्योर। और बस अब आपको ऑमलेट को दूसरी साइड से भी अच्छे से सेकना है। पूरे प्रोसेस में हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है ताकि ऑमलेट अच्छे से सिक जाए। और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा गरम मसाला। फिर से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर आप ब्रेड को बेस बनाकर ऑमलेट को पलटेंगे तो वो कभी नहीं फटेगा। और अब हम ऑमलेट को फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। हम इस तरह हम ऑमलेट को फोल्ड कर लेंगे। तवे की पोजीशन को आप अपने हैंड्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह लास्टली फोल्ड कर लेंगे और ऑमलेट बिल्कुल रेडी है।
आप देख सकते हैं बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं, स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है और एकदम इसे देख के आप गेस नहीं कर पाएंगे कि हमने इसके अंदर एग्स का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आपको आज की ये इंटरेस्टिंग इनोवेटिव से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।